राम राम भैया, राम राम बहना। वाली दस वाली एविकी सभी को वेलकम टू प्रीति तन्मय ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपया आप सब पे बनी रही। तो आज बृहस्पतिवार है इसलिए मैंने फिर से पहना है येलो कलर और आज मैं जाने वाली हूँ एम्स हॉस्पिटल किसी से मिलने के लिए। वो आपको ब्लॉग में आगे ज़रूर दिखेंगे क्योंकि हो सकता है शायद नाम से आप भी ना जानते हों और अगर जानते हो तो वो आप आगे देख लेना। और आज मैं किसी से मिलने वाली हूँ और कोई मुझसे मिलने वाला है तो दोनों ही आपको ब्लॉग में आगे देखने को मिलेंगे। ब्लॉग को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए चलते हैं हम मिलने के लिए और फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। हेलो, जल्दी आओ। फोन बज रहा है इसलिए मैंने उठा लिया। मम्मी ले आओ, ले विशु फोन दे दे। फोन भगा भगा के ला रहा मुझे घर से ही, कह रहा चल ना पाई। दिखाई टिकट कंडक्टर करनी सीख रही वो हमारी तो हम आ चुके हैं एम्स जिनसे हमें मिलना था, उनसे मिलने के लिए। हॉस्पिटल का नाम भी बुरा। राम राम भैया, राम राम बहना। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। तो भैया आज बहुत खुशी हो रही है, जैसा कि आप देख रहे हो प्रीति दीदी, प्रीति तवर जी हमारे पास आई हैं आज अपनी भाभी और भैया से मिलने। भाई बड़ी खुशी की बात है कि बहन बड़ी दूर तक पाँव उठा आई है और बहन को भैया भी आया हो गया है जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं। भाई धन्यवाद। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था हम मिलने वाले हैं तो हम मिलने आए प्रियंका दीदी से। हर किसी की अपनी एक कहानी है और दुख भरी ही कहानी है, लेकिन हम इस दुख को काट लेंगे ना तो भगवान हमें बहुत सारी खुशियां देंगे। तो बस आप हमें हंसते हुए दिखो और आप बहुत जल्द ठीक हो गए, हम घर आएंगे और मैं पापा को लेके आऊंगी जो आपसे मिलना। मैं तो अंकल से स्पेशली मिलना चाहती हूं जिनकी बेटी का देख के दुख हुआ है। सच में उनको बहुत मन था उनका और उनका मन था नोएडा का। मैंने कहा पापा एम्स चलो, एम्स में फिलहाल, कह रहे नहीं हम नोएडा ही जाएंगे। आज तो आ नहीं पाए, आएंगे नोएडा ही आएंगे अब किसी दिन। उसी की वजह से फिर हस्बैंड है क्योंकि वो सफ़र करने में बहुत दिक्कत है।
लो जी हम आए थे प्रियंका को इंस्टा पे देख के कि हाँ प्रियंका देखो इंस्टा से ही चल रहा है, लेकिन प्रियंका निकली हमारी मासी की लड़की। अभी बताया तब अरे इनकी मम्मी भी दीदी कुछ कहना चाहती है भाई? मैं गीता भाटी ग्रेटर नोएडा से आई हूँ। मैं प्रियंका की और भैया अरुणा में अरुण भाई और प्रियंका की वीडियो देखती थी, तो शायद मैं भी इस दौर से निकली हूँ। तो मैं इनके दर्द को बहुत ज़्यादा महसूस करती थी और मेरा बहुत मन था कि मैं किसी भी तरह इनसे मिलूं। हालांकि मेरे लिए ग्रेटर नोएडा पास पड़ता, लेकिन मैं रोक नहीं पाई और मैं प्रियंका को एक मैसेज किया कि मुझे आप अपने हॉस्पिटल का एड्रेस सेंड करो, मैं ज़रूर 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 मिलने आऊँगी। और मैं ग्रेटर यहाँ आकर मैंने प्रियंका को देखा, अरुण भाई को देखा, प्रीति मिली, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी विशेष दोनों ये मेरे भाई जल्दी ठीक हो जाए और प्रियंका के साथ जल्दी से अपने बच्चों के पास जाए। बस हमारी दुआएँ प्रियंका अरुण और उसकी पूरी फैमिली। डन से मालूम और मत चलो। आप मुझे लाइक करते हो? हाँ। देख लो अब मैं फेस टू फेस ले लूं। बिल्कुल बिल्कुल बोलो। मैं गीता और आज मैं क्या नाम जी के प्रियंका को देखने मिलने आए थे, तो यहाँ मुझे प्रीति मिली, तो आज हम बहने मिली, एक दूसरे का दुख बांट रहे। कैसा लगा ये? दीदी ने बताया इंस्टा पे, दीदी मुझे बहुत लाइक करती है। मैं प्रीति को देखती हूँ, बहुत लाइक करती हूँ बहुत। मैंने प्रीति से अभी आपने शिकायत दर्ज कराई है कि प्रीति मैं हमेशा आपको लाइक करती हूँ, लेकिन आज तक तुमने मेरी इंस्टा की आईडी नहीं खोली है। इनकी लाइक मैंने एक्सेप्ट नहीं की, बट मैंने नहीं नहीं कोई बात नहीं की है भाई। देखो मुझे पता नहीं चला, सॉरी। प्रीति मेरी बहुत छोटी बहन, तुम तो मेरे बच्चे जैसे हो। बड़ी बहनों का प्यार ऐसे ही मिलता रहे, हम इसी में खुश है। मैंने प्रियंका को बोला, प्रियंका कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ, हर एक आपकी वीडियो देखती हूँ, लेकिन तुमने कभी मुझे रिस्पॉन्स नहीं दी। अब आप सब लोग मेरी है आईडी है गीता भाटी गीता के नाम से, मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ। और दीदी को फॉलो करना, रिस्पॉन्स करना सब रिस्पॉन्स करना, दीदी की शिकायत रहती है। वैसे मेरा पब्लिक अकाउंट प्राइवेट अकाउंट है, पर कभी कभी पब्लिक कर देती हूँ रिस्पॉन्स के लिए। मैं सिर्फ अपने वो अपना वो दिखाती हूँ कि मैं अपडेट देती रहती हूँ। मैं सिर्फ शौक के लिए वीडियो बनाती हूँ, मुझे बहुत दीदी ऐसा ही सोशल होना ही बनाते गलत समझते, लेकिन हम खुश होने के लिए शौक के लिए वीडियो। हमारी लाइफ का एक ऐसा पल है कि जो हम एंजॉय कर रहे हैं सच में। मेरी भगवान में बहुत आस्था है, तो मैं मोस्टली भगवान से सभी छोटे बड़े लोगों से जुड़ी हुई रहती, ताकि मेरा हर दिन बहुत अच्छे से निकले। तो आज का दिन मेरा बहुत अच्छे से गया, क्योंकि मुझे प्रियंका मिली, मुझे प्रीति मिली, आप हमें मिले, हमारा भी अच्छा दिन रहा। आप बहुत अच्छे हो सच में। थैंक यू। इतनी देर से वेट कर रही हूँ, जाने वाली थी मैं इसलिए रुक गई, मन का कीर्ति आ रही है। स्टार्ट कर लिया तो भैया आज मुझे बहुत खुशी हुई है, मेरी बहन मेरे ढोर आई है, अपनी भाभी तो मिली है ठीक है, और गीता दीदी भी आई थी आज हमारे साथ, मतलब तारे भाई तो मिलना है। मैं तो कहूँ जल्दी से डिस्चार्ज होकर खूब अच्छे से अपने घर चले जा, क्योंकि दुश्मन ने भी नो भेजे भगवान हॉस्पिटल में। तो भैया कुल मिलाकर मैं नो कह रहा हूँ अपनी बहन से, हॉस्पिटल तो आइए, बहुत बहुत धन्यवाद, घर भी आएंगे जरूर, क्योंकि घर ज्यादा आदर सत्कार हुआ है बहनन को, हॉस्पिटल में न हुए हैं। और अरुण भाई से हमारी रिक्वेस्ट है, हमारे लिए कभी भी कोई भी हमारे लिए कोई भी काम हो, मेरे हस्बैंड के कुछ भी हो, तो कभी भी बेझिझक बताए, वैसे हम मिलेंगे आप सबके लिए, नहीं बस अरुण भाई के लिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद, आप जरूर आएंगे हमारे घर पे। और हम आ चुके हैं हमारे मैम को, हमें निकलना है, बाय बाय। आई होप आप सबको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मेट्रो से गया एग्जिट, हम जा रहे हैं घर पे, बहुत धूप है भाई। वाली दस वाली अभी की
पांच वाली दस वाली नाम तो पता ना कौन सी लिखा ना मिल रही। एक आता दस वाली ली पच्चीस वाली आप सबने देखा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मैं आज जाने वाली हूँ एम्स। मैं वहाँ से होके आ चुकी हूँ घर पे और मैं गई थी विक्की के साथ प्रियंका दी को देखने के लिए जिनको मैं इंस्टाग्राम से ही जानती हूँ और इंस्टाग्राम पे भी इतने अच्छे रिलेशन है इतने अच्छे फ्रेंड सर्कल है बहन भाई है कि सच बताऊँ तो कोई कोई तो ऐसे रियल में भी नहीं होते जितनी अच्छी बॉन्डिंग इंस्टाग्राम से हो जाती है। तो मैंने कहा था किसी से मिलने मैं जा रही हूँ कोई मुझसे मिलने आ रहा है। मैं गई थी प्रियंका दी और अरुण भाई से मिलने के लिए और मुझसे आई मिलने कीर्ति जिसका मैं वेट करती रही और गीता दी मुझे वहाँ पे मिली गीता भाटी जी जिनका मुझे कुछ नहीं पता था लेकिन वो मुझे वहाँ पे मिली और वो मुझे जानती थी तो बहुत अच्छा लगा सच में ही मिल के। और बहुत हिम्मत है अरुण भाई में जो मतलब वो इतना सपोर्ट करते हैं प्रियंका जी को सच में ही ऐसे सपोर्टिव हस्बैंड होना सच में बड़ा दुख भी होता है ना अगर फैमिली साथ हो और हमारे साथ खड़ी हो जाए बिल्कुल हमारी ढाल बन गई कि हाँ मतलब मैं तुम्हारे हर टाइम साथ हूँ। वो देखो हस्बैंड भी हो सकते हैं भाई भी हो सकते हैं पापा मम्मी कोई भी हो सकता है लेकिन अगर ऐसे भी छोटा लगने लगता है दुख भी दुख नहीं लगता हमें। और सच में उनको हमसे मिल के बहुत अच्छा लगा और हमें भी उनसे मिल के बहुत बहुत अच्छा लगा और हिम्मत है उनकी। और देखो हमारा क्या है हम ना कुछ लेने गए ना उनको कुछ दे के आए सिर्फ एक मिलना ही हुआ जो उनको इतनी ज़्यादा खुशी हुई हमसे मिलके क्योंकि इस टाइम पे ही होता है कि अगर हम अब हम गए हमने उनको हिम्मत ही तो दी वो बल्कि मुझसे बोल रही थी कि दीदी मेरी तो चलो बीमारी है आज ना कल ठीक हो जाएगी मुझे पता है लेकिन आपको देख के तो मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। आपने तो भैया को खो दिया और फिर भी आप हंसते हो मुझे बहुत खुशी होती है। मैंने कहा देखो मैं रोती रहूं और रोती भी हूँ तो दिखा नहीं पाती हूँ क्योंकि जब अपने आसपास होते हैं ना तो हमें अपने आंसू खुद पोंछने पड़ते हैं क्यों उनकी खुशी के लिए। तो वो भी यही कह रही थी जब भी मैं जाती हूँ उन्होंने बहुत अच्छा मतलब हमें अपनी सारी वो बताई बहुत दुख हुआ लेकिन मैं सच बताऊँ कभी भी आप कहीं जा रहे हो ना और किसी के दुख में जा रहे हो उनसे ये मत पूछना कि ये दुख क्या कैसे है। अगर वो उस दुख से निकल भी रहा होता है ना तो वो चीज़ें जब हमें सुनाता है ना वो तो फिर उसी चीज़ पे वो चला जाता है क्योंकि देखो आप सबको बताएं कि इनको क्या हुआ था। मैंने आप सबके साथ व्लॉग भी शेयर किया है कि इनको क्या हुआ कब हुआ कैसे हुआ किस कंडीशन में थे क्या हम कर रहे थे पूरा मैंने इसका व्लॉग डाला हुआ है। लेकिन जब भी कभी कोई मुझसे मिलता है मुझसे ये चीज़ ज़रूर पूछता है आपके हस्बैंड को क्या हुआ था सच बताऊँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। इसलिए मैंने प्रियंका दी से जाके कुछ नहीं पूछा क्योंकि जो चीज़ उनको है अरुण भाई डेली हमें अपडेट देते हैं इंस्टाग्राम पे तो हमें क्यों ही उनसे पूछनी है। अच्छी बात है हम गए उनको एक ही चीज़ बोली मैंने कहा आप खुश रहो बाबा से अपने देवताओं से प्रे करो कि आप ठीक होकर जल्दी से अपने बच्चों के पास चले जाओ जिनके लिए आप सब कुछ हो जो आपके लिए सब कुछ है। और बाकी मैंने उनसे कुछ नहीं बस यही है कि हाँ भाई आप ठीक रहो हिम्मत बनाए रखो बहुत अच्छा कर रहे हो बहुत हिम्मत दिखा रहे हो और देखो दुख सुख आने जाने हैं ये सच बात है। और मैंने उनको एक चीज़ ये भी बोली मैंने कहा देखो बीमारी है ये सबके साथ है किसी को कुछ है किसी को कुछ है मैंने कहा ये मत सोचना कभी भी कि ये बहुत बड़ी बीमारी है क्योंकि बीमारी हुई कोई दुख हुआ कुछ भी हुआ अगर उस चीज़ को हम बहुत बड़ा बना लेते हैं ना वो बड़ी भी नहीं होती तो भी वो बड़ी बन जाती है। तो भाई ये ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं पे ख़त्म क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। हम घर से निकले थे 10:30 बजे के करीब और अब 1:30 बज चुका है क्योंकि बैठे भी कीर्ति का भी वेट किया और जब गए तो टाइम तो लगता ही है। और गीता जी तो इतनी दूर से आई थी नोएडा से फिर वो भी हमारे साथ ही निकल गई थी। और आई होप आप जल्दी से ठीक हो जाओ और आप यकीन करना अभी मैं रस्ते में ही थी मेरे पापा की कॉल आई आते ही पापा ने पूछा बेटा देखा ही तू लाली को मैंने कहा हाँ पापा मैं देखा ही कह रहे हैं वो ठीक है मैंने कहा हाँ वो ठीक है लेकिन आपको याद कर रही थी स्पेशल बुलाया प्रियंका दीदी ने और अरुण भैया ने कि जरूर लेके आना अंकल को नोएडा। हाँ जी आप ठीक होके जल्दी घर पे चले जाओ और हम जरूर आएंगे नोएडा और फिर आपके साथ वहाँ का ब्लॉग शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं ब्लॉग का एंड बाय बाय।